हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक। आज मैं आपको दो मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ जो एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट जो एप्लीकेबल होगी, अगर आपका जो टेंस प्लेस वैल्यू है किन्हीं दो नंबर्स की वो सेम हो और उनकी जो वंस प्लेस वैल्यू है उनका एडिशन कितना बनता हो 10। तो हम ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप विद इन 2 सेकेंड में आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम फर्स्ट एग्जाम्पल से करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको टेंस प्लेस पे दोनों नंबर सेम दिखाई दे रहे होंगे, 7 और 7। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलता हो कि फर्स्ट पे नंबर सेम हो और जो लास्ट हमारा जो वंस प्लेस वैल्यू है उनका एडिशन 10 बनता हो, तो हम कैसे करेंगे, जो नंबर 7 है उसमें 1 ऐड, मतलब दूसरे नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो 8 हो गया। 7 और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 8 का कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। क्लियर। और आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमने हमेशा आंसर 2 डिजिट में राइट डाउन करना है। तो अब देखो, 9 और 1 की जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 9 आ रहा है, लेकिन हमें 2 डिजिट चाहिए तो हम यहाँ पे 0 यूज़ कर लेंगे। तो बस सम कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, 3 एंड 3 तो क्या हो जाएगा, 3 4 12, और 4 और 6 क्या होते हैं, 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई आएगी तो क्या आएगा, 6 4 24। देखा कितना इजी हो गया करना। अब देखो अगेन, 6 और 6 तो 6 7 का कितना हो जाएगा, 42। अब देखो 4 और 6 10 है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 24। विद इन 2 सेकेंड में आप आंसर राइट डाउन कर सकते हैं अगर ऐसी वैल्यू आती है तो। तो अब देखो 5 और 5 तो 5 6 का कितना हो जाएगा, 30, एंड 3 प्लस 7 10 होता है तो 3 7 का कितना आ जाएगा, 21। आपको जो ये नंबर्स लिखने हैं ना वो 2 डिजिट की फॉर्म में ही राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट देखिए, 49 मल्टीप्लाई बाय 41, 4 एंड 4 मीन 4 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 20। 9 1 9 अगेन यू हैव टू राइट 0 फर्स्ट एंड देन यू हैव टू राइट डाउन 9। नेक्स्ट 11 11, सो 11 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, एंड 3 मल्टीप्लाई 7 इज़ 21। क्लियर। आई होप आपको ये मेथड बहुत इजी लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में देखो, जो फर्स्ट हमारा टेंस प्लेस वैल्यू की हम बात करेंगे उनका एडिशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और जो हमारे वंस प्लेस की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस सम को हम कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 4 और 6 की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 6 का कितना हो गया, 24, और जो पीछे नंबर है 3 वो उसमें ऐड कर देंगे तो कितना लिख देंगे हम, 27। अगेन बाकी सिमिलर, 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ 0, 9, क्योंकि हमने 2 डिजिट में इसे राइट डाउन करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 3 मल्टीप्लाई 7 इज़ 21, 21 प्लस 5 इज़ 26, एंड 5 5 इज़ 25। क्लियर। नाउ 8 2 इज़ 16, एंड 16 प्लस 9 इज़ 25, एंड 9 9 इज़ 81। नाउ 7 3 इज़ 21, 21 प्लस 6 इज़ 27, एंड 6 मल्टीप्लाई 6 इज़ 36। नाउ नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 8 इज़ 16, 16 प्लस 9 इज़ अगेन 25, एंड 9 मल्टीप्लाई 9 इज़ 81। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 25, एंड 4 29, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 16। देखा हमने कितने इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, इतने सारे क्वेश्चंस हमने फटाफट से सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से आप विद इन 2 सेकंड में रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो 7 और 7 यानी जो टेंथ प्लेस वैल्यू है वो सेम होगी, और वंस प्लेस वैल्यू का एडिशन कितना होगा, 10। और सेकंड मेथड में क्या होगा कि फर्स्ट यानी कि जो टेंस प्लेस वैल्यू है उनका एडिशन कितना होना चाहिए, 10, और बाकी जो वंस प्लेस की वैल्यू है वो होनी चाहिए सेम। तो इस तरीके से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। इसी तरीके की और शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए ई स्टूडेंट। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।